थाने और कोई ना मिला, किसको उठा के ले आई? कुछ ज्यादा इरिटेटिंग आदमी से। अब क्यों हुआ वरदान, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे अच्छा लड़का से वो। अच्छा, कुछ ज्यादा ही जवान चलती है उसकी, इंसान को पता होना चाहिए कहाँ पे कितना बोलना है। अब वरदान मजाक करने की आदत से उसकी, अब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा से। ह्यूमर तो बहुत दूर की बात, मन ने तो उसकी बातों में कोई सेंस ही ना दिखी। वरदान, तेरी तबीयत तो ठीक से ना, मतलब बुखार बुखार तो ना से ना? वो क्या है कि जब भी तने बुखार आता है तो तू बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना? चेक चेक कर ले। ठीक हूँ मैं, ले क्यों आया? हाँ तो उसके साथ भी तू ठीक ही रहा कर, हमारी मदद के वास्ते आया था। तू है ना, उसकी मदद के बदले उसकी तारीफें करने के लिए, तो कर। मारे से नाटक ना होते। वरदान, मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि तन्नु से जलन हो रही है? क्यों हो रही है? जलन। जलन? मन्ने क्यों होगी जलन? है कौन वो? अच्छा? तो तेरी उस शक्ल देखकर मन्ने ऐसा क्यों लग रहा है कि तन्ने बड़ी जलन हो रही है? अब नहीं हो रही जलन। इनफैक्ट मन्ने तो हंसी आ रही है। देखा था कैसी चीप हरकतें कर रहा था वहां पे, जैसे कभी कोई सुंदर छोरी ना देखी हो। हाँ तो नहीं देखी होगी उसने। तू कुछ ज्यादा ही साइड नहीं ले रही उसकी? नहीं मतलब उसने तेरी थोड़ी सी तारीफ कर दी, ये बात तेरे सर पे तो ना चढ़ गई? ले इतनी कोई खास सुंदर ना है तू, ठीक ठाक से है। क्या बोला? उस दिन तो बड़ा बोल रहा था कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ, अब क्या हो गया? उस दिन अरे मजाक कर रहा था, माला सेंस ऑफ ह्यूमर था वो। इतना पक्का हो गया तन्ने जलन हो रही से। मती, वो जलन ना हो रही। मैंने कहा ना हो रही से। अरे बोल ना, चुप कर। क्यों हो गया, ये दांत क्यों फाड़ रही है? तेरी जलन पे ना प्यार आ रहा है कुएं वाले छोरे। हाँ ठीक है ठीक है, छोरी कैसे हो गया? यो तुमने जिम्मेदारी दी थी कि नहीं दी थी? ये पैसे वाली बोरी कैसे गायब हो गई, कितने चलेगी? अरे भगवान दास पता ना। मन्ने के पता, माँ सुंदरी हम सब तो यही थे ना। तो कित गई बोरी, कित गए पैसे भगवान दास? लो, देख लो भाभी माँ, देख लो। अरे इब तो चोरों की भी हिम्मत हो गई है, माता कुसुम सुंदरी के घर में घुस के चोरी कर रहे से। अरे हिम्मत तो आवेगी ना, सारे ज्वालापुरी ने यो लाग रहा से कि घुंघरू वाली मैया के साथ भाभी माँ का कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहा, भाभी माँ में वो सत्या रही नहीं है। असल में मैंने वो पैसे गायब कर पाए और अब पैसे चोरी होने का नाटक किया। ऐसे न किसी को पता चलेगा कि पैसे कित गए और न ही किसी को मारे पे शक होगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। सुनो, अब तुम क्या हाथ जोड़ के खड़े हो? जाओ जाके तलाशी लो, घर का कोना कोना छान मारो, हर कमरे की तलाशी होनी चाहिए। और सुनो, कुसुम सुंदरी के कमरे की भी। भाभी माँ!
भाग रहे से भाभी माँ कि ये पैसे खुद ब खुद चलते हुए हमारे घर पे आ रहे से। छोरे कौन से तू? अरे इस बोरी में क्या कर रहा है तू? अरे आप लोग बताओ आप कौन हो और मुझे यहां कौन उठा? हे भगवान, मरमरा तो नहीं गया मैं? ये यमराज का दरबार है ना? तो भाई यो यमराज का दरबार ना से? मारी माता कुसुम सुंदरी का घर से। आप लोग मेरी बलि देने के लिए यहाँ आए हो? बचाओ बचाओ, पुलिस पुलिस, इन्होंने मेरा अपहरण कर लिया, कोई कोई तो बचाओ। यो यहाँ कैसे आ गया? आप कल रात इसने कुसुम सुंदरी को बात करते हुए सुन लिया था। तो मैं आदेश दो ये मैंने क्या करना से इस पैसे का? तो पैसे कहीं नहीं जाने वाले, इनको हमारे कमरे में पहुंचा दे और इस बात ने हमेशा के लिए भूल जा। मैं भी देखूं कि वो तेबान सी इन पैसों ने कैसे उन फूटे नंगों में बांटे हैं। कि वो दान के पैसे की बोरी कहीं छुपाने वाली है, इसीलिए इसने खुद पैसे की बोरी छुपा दी और अंदर चला गया। कोई बचाओ, ये लोग मुझे मारने के लिए अपहरण करके ले आए। अरे भगवान दास, यो कौन से है? अरे यो तो वो है छोरा से जिसने बोरी के रुपये गायब करे से। चोर हे भगवान, यही दिन दिखाना बाकी था। मतलब मैं गरीब हूं तो मेरे ऊपर इन जालिम दुनिया वालों ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं चोरी करूंगा। ए भगवान दास, के बात करे इसके साथ, चलो पकड़ लो इसने और इस चोर से सच्चाई उगलवाओ कि पैसे कितने। ये बताओ, एक मिनट, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं बाबू मोशाय। भाभी मत चोरना है, ये तो बेचारा उप्पी। भाई चुप, बाहर जाए। भाई साहब, अरे कोई बचाओ, अरे छुड़वाओ ना मुझे। बर्तन इसने किसी भी तरह बचाओ, मैं चोर नहीं हूं। रुको, ऐसे नहीं ले जा सकते इसको यहां से। ए बर्तन, इस चोर ने बचाने की कोशिश क्यों करा है तू? अरे मैंने कहा ना, मैं चोर नहीं हूं। बकवास मत कर अपनी। अरे भाई, तुम तो मुझे बचाने के लिए आए थे ना, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं तुमने बचाने नहीं, तारी सही जगह पे ले जाने आया। कानून को अपने हाथ में लेने का हक ना है मेरे पास, इसलिए इसको थाने लेके जा रहा हूं। पुलिस स्टेशन? अब पुलिस वाले तेरा फैसला करेंगे, तू चोर है या नहीं। अरे भाई साहब, आप ही बताओ, मैं चोरी करके खुद बोरी में बंद क्यों होऊंगा? आप मुझे पुलिस थाने क्यों लेके जा रहे हैं भाई साहब? अरे बस भाई बस, आ गए हम दो लोगों की नजरों से दूर। अच्छा, अब ये घसीटा वसीटा छोड़ो, जल्दी से मुझे थैंक यू बोल दो। आखिर इतना अच्छा जादू जो दिखाया मैंने अंदर। तेरे जैसे जादू करना हर गली में धक्के खा रहे होते हैं। इतना बड़ा काम ना किया तन्ने, समझा? छोटा या बड़ा, चलो कोई काम तो किया मैंने। तुम एक बात बताओ, देवांशी को प्यार करने के अलावा तुमने कौन सा काम किया?
रतन ने ये लग रहा है ना कि मैं अपने परिवार वालों के पैसों पे जी रहा हूँ, तो ये थारी गलत फहमी से। और इससे ज्यादा सफाई देना तन्ने जरूरी नहीं समझता। चल एक मिनट भाई, तुम कहीं मुझे सच में पुलिस स्टेशन ले जाने की तो नहीं सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। नहीं यार, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मतलब माना कि तेरे होने वाली बीबी मुझे पसंद करती है, पर इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना? यार तू कभी हंसता हंसाता भी है कि हमेशा ऐसे ही इंकलाब जिंदाबाद वाला फेस बना के रखता है? अरे भाई थोड़ा हंसो हंसाओ मौज करो, पता नहीं कल हो ना हो। मेरा तो कल भी होगा और परसों भी, पर अगर तूने अपना मुंह ना बंद किया ना तो तेरे आज पे अभी फुल स्टॉप लगा दूंगा। क्या बात है यार, कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर को सुंदर कहना भी मेरा कसूर है? अरे अब कल को तुम कहोगे कि ताजमहल को ताजमहल ना कहो तो मैं। थैंक यू सो मच, अगर आज तुम ना होते तो वो पैसे ना बच सकते। देखा ऐसे करते हैं बात, बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे मोती जैसे दांतों से फूल झड़ रहे। कुछ सीखो यार अपनी होने वाली बीवी से। बस बस बहुत हो गया, ये इधर उधर की बातें बंद करो और मन में बताओ कि वो पैसे कहाँ रखे। वो पैसा जहाँ भी है सुरक्षित है, आप उस पैसे की फिक्र मत कीजिए। क्यों ना करें फिक्र है? और क्या प्रॉब्लम है तन्ने, बताता क्यों नहीं कहाँ पे है? देख भाई कुछ दिन बाद तुम लोगों की शादी है ना, तो क्या शादी के टाइम पे ले आऊंगा पैसे, बांट देना लोगों में, अरे पुण्य मिलेगा तुम लोगों को। नहीं 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 नहीं, मतलब तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है मुझ पे। भाई अगर भागना होता तो कल रात को नहीं भाग जाता? कोशिश करके देख ले, गांव के बाहर पैर ना रख पाएगा। तुम कैसे इससे शादी कर रही हो? बताऊं कैसे? बंद करो तुम दोनों, बस हो गया। क्या वरदान, मैंने शिखर पर पूरा भरोसा से। अगर यो कह रहा है कि उसने पैसे सही सलामत रखे हैं तो एकदम सही सलामत रखे होंगे। देखा शादी भले तुमसे कर रहे हैं, तुम्हारी होने वाली बीवी को मुझ पे पूरा विश्वास है। बैठ, अरे बैठ, अरे भाई आराम से, आराम आराम। रोमियो की औलाद, हिमांश मैं जल्दी वापस आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा। आपकी नींव तो हिलाती माँ कुसुम सुंदरी, एक वो दिन दूर नहीं जब आपके बाप के मकान में भी गिरा दूंगी। आखिर वो छोरा सह कौन और हमारे पैसे वाली बोरी में कहां से आ गया? पैसे कहां चले गए? समझ नहीं आ रहा है कि कल से हो क्या रहा है। पहले हमारा चमत्कार उल्टा पड़ गया, अरे क्यों बदतमीजी ना उसे भाभी माँ, मैं क्या करूँ आप ही बताओ। इस हुंडी के पैसों से कुछ सिक्के पड़े थे हमारे पास, जो हुंडी के बाहर गिरे थे भाभी माँ, वो मैंने उठा लिए। शर्म नहीं आती? पैसे उठा लिए और उठा लिए तो ठीक, मरने उसी लड़कियों तेरे से। दे नहीं रही भाभी माँ, दे नहीं रही, अपनी गरीबी पे रो रही हूँ भाभी माँ। अरे देवांशी ने मारे सारे पैसों ने आग फूंक दी, ये कुछ नहीं रहा हमारे पास। और भाभी माँ मन में तो विश्वास है कि हुंडी में से पैसे वो देवांशी ने गायब किए।
और भाभी माँ मेरा दिल कह रहा है कि वो छोरा कोई और नहीं बल्कि दीवान सिंह का बुलाया हुआ चोर है। भाभी माँ कुछ तो सोचो, अपनी डूबती नैया ने पार लगाने के लिए कुछ सोचो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब दीवान सिंह आपकी गद्दी पे आपकी जगह लेकर बैठेगी और हम मंदिर के बाहर दीवान सिंह माता की जय, दीवान सिंह माता की जय कटोरा लेकर भीख मांग रहे होंगे। माफ करना भाभी माँ, पर एक और बात है कि वरदान और दीवान सिंह की शादी में कि बस कुछ दिन ही बाकी रह गए से सच कह रही हूँ, अगर दीवान सिंह इस घर की बहू बन गई ना तो बहू का पल्ला सास पे भारी पड़ जाएगा। अरे बेटा इतना भावुक होने की जरूरत ना से, तू तो हमेशा हंसती हुई ही अच्छी लगे से। बाकी बेटा यो जो चुन्नी की रस्म थारी सास ने करनी चाहिए थी वो तो नहीं कर रही, तो मैंने ही कर दी। आज से मैं थारा दोस्त अंकल नहीं बाऊजी बन गया हूँ, बाऊजी। अरे ना बेटी ना, बेटियां पैरों को हाथ लगाएं ये अच्छी बात ना से बेटी। हर तू तो मैया कांस से ना, परसों पहले मैया ने हुंडी में तन्ने ऐसे ही थोड़ी ना गिराया था, उसने देख लिया था कि उसकी नगरी ज्वालापुरी में एक चंडालिनी उसी का नाम लेकर लोगों ने धोखा दे रही से, और मैया ने उसी का अंत करने के लिए तन्ने चुनिया था, और आज वो मकाम आ गया कि तू कुसुम सुंदरी के पापों का अंत कर सके। और मने खुशी से यो काम थारे हाथों से मारे घर की बहू बन के होवेगा। शादी में एक हफ्ता से, और इस एक हफ्ते में तू और कुछ नहीं सोचेगी, हमेशा खुश रहेगी, दूसरी छोरियों की तरह अपनी शादी की तैयारियां करेगी। कर वादा हमारे से। वादा दोस्त है। वादा भाऊजी। यो हुई ना बात। पर बेटी मारे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, कुसुम सुंदरी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि शिखर कौन से और यहाँ क्यों आया से। हाँ बाऊजी, ऐसे दो राज है जिसके बारे में कुसुम सुंदरी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। पहला शिखर का राज और दूसरा यो कि जिसे कुसुम सुंदरी अपना समझ रही है वो असल में हमारी मदद कर रही है। तेरी दीवान सिंह का मन पसंद लाडू खा ले। अरे बस मैंने प्यार से खिला रही लाडू खिला रही हूँ ना, ले जाके उतने ही प्यार से दीवान सिंह ने खिला। अपने क्यों हो गया माँ सुंदरी, मैं दीवान सिंह ने और लाडू खिलाऊ क्यों भला? अगर लाडू नहीं खिलावेगी तो दीवान सिंह मरेगी कैसे? लाडुओं में जहर मिला रखा है। अरे बाप रे बाप। इन लाडुओं में जहर ना से चोरी, वो जो बगल में डब्बा रखे सर इनमें ले, इन लाडुओं ने जाके खिला देते भाड़ सिंह।